नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या कहते हैं ग्रह गोचर, आपके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, सभी की संपूर्ण चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर में ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की बनी हुई है। तो देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव इस महीने मार्गी होने जा रहे हैं। 15 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, आपके जीवन में बड़े बदलाव शनिदेव जरूर करवाएंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर इस महीने तुला राशि में रहेगा। 15 तारीख तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे, आपके नवम भाव से गोचर करेंगे। 15 तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, आपके बिजनेस में भी और आपके वैवाहिक जीवन में भी। उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, मंगल की स्थिति को समझे तो देखिए, मंगल का गोचर कर्क राशि में जारी है। कर्क राशि में मंगल नीच के रहेंगे, आपके छठे भाव में। तो यहाँ पर ये कंपटीशन बढ़ाएंगे, थोड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, परंतु अच्छे रिजल्ट भी दिलाएंगे आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, बुध की स्थिति को समझे तो बुध आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में। बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो शुक्र धनु राशि में रहेंगे, आपके 11th हाउस में। ये अच्छी स्थिति है शुक्र की, इनकम अच्छे सोर्स जनरेट होंगे आपके। साथ ही दर्शकों, गुरु की स्थिति को समझे तो गुरु आपकी राशि से वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में। गुरु की स्थिति शुभ बनी हुई है। राहु केतु का गोचर मीन और कन्या राशि में जारी है। ये सभी ग्रह मिलकर आपको कैसे प्रभावित करेंगे, क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर के अशुभ दिन कौन से हैं जहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जब भी हमारी राशि से अशुभ भाव में गोचर होता है, शनि या राहु के संपर्क में आते हैं, तो वो दिन हमारे लिए तनाव देने वाले रहते हैं, कष्ट देते हैं। तो उन तारीखों का ज्ञान आपको होना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले तो 8 और 9 तारीख का दिन बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा राशि से 12th हाउस में रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ रहेगी इस दिन में, और कोई ना कोई चिंता भी आप पे हावी रह सकती है। तो मानसिक तनाव कम रखें और स्ट्रेस फ्री रहने का प्रयास करिए। खर्चे हो सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है, इस कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो खर्चों को भी नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। अब देखिए दर्शकों, आगे बात करें तो 20 और 21 तारीख का दिन भी अच्छा नहीं है। इस दिन आपके लिए आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। राशि से चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे, राहु का भी प्रभाव है, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अपनी तबियत का विशेष ख्याल रखिए। आगे देखें तो देखिए, 25 और 26 तारीख का दिन भी अच्छा नहीं है। इस दिन चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, ये भी चिंता बढ़ाने वाला दिन रहेगा। कोई भी बड़ा डिसीजन इस दिन मत लीजिए, किसी भी प्रकार का नया काम की शुरुआत मत करिए, अन्यथा दिक्कतों में पड़ सकते हैं आप। अब दर्शकों, बात करते हैं कि इस महीने के शुभ दिन कौन से हैं जहां पर आपको आर्थिक लाभ होगा, धन का लाभ होगा। देखिए दर्शकों, जब भी गुरु चंद्रमा का शुभ संबंध बनता है तो उस दिन मनी फ्लो अच्छा होता है। तो आपके लिए वो तारीखें रहेगी, देखिए सबसे पहले 4 और 5 तारीख का दिन अच्छा है। गुरु चंद्रमा का सम सप्तक संबंध बनेगा, आपको आर्थिक लाभ जरूर होंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो आप प्रयास करिए, आपको मिल सकता है। इसके बाद 11 तारीख का दिन भी काफी शुभ रहेगा। 4-10 का संबंध गुरु चंद्रमा का आर्थिक लाभ जरूर करवाएगा। आगे देखिए दर्शकों, इस महीने का सबसे अच्छा दिन रहेगा 16 और 17 तारीख का दिन। गुरु चंद्रमा की युति रहेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा आपके चतुर्थ भाव में। तो इस दिन आप घर परिवार में बहुत खुशी अनुभव करेंगे। आपके लिए कोई ना कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, कोई खरीदी कर सकते हैं आप, कोई नया घर गाड़ी ले सकते हैं। उस हिसाब से भी ये दिन काफी शुभ दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए, 24 तारीख का दिन भी काफी अच्छा है। इस दिन गुरु चंद्रमा का 4-10 का संबंध बनेगा, इस दिन भी आर्थिक लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। अब देखिए दर्शकों, सभी के लिए विस्तार से बात करते हैं कि नवंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए दर्शकों, पढ़ाई के हिसाब से महीना काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके पंचम भाव पर शुक्र का भी प्रभाव है, बुध की स्थिति भी अच्छी है। तो पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, मन भी लगेगा आपका पढ़ाई में, और आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ सकते हैं इस महीने में। शुक्र का प्रभाव है तो थोड़ा संगत अपनी अच्छी रखिए, कोई गलत संगत में समय बर्बाद मत करिए, अन्यथा दिक्कत बढ़ सकती है आपके लिए। अब देखिए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, आपके दशम भाव से बुध का गोचर होगा, मंगल गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से छठे भाव में। तो
तो यहाँ पर आपको इस महीने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। प्राइवेट सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं, अच्छी स्थिति बन रही है, कोई ना कोई बड़ा मौका आपके हाथ लगेगा, उसको गवाइए मत। अगर ट्रांसफर की स्थिति बनती है तो भी उसको ग्रेप करिए आप, क्योंकि अगर आपका पदोन्नति हो रही है तो ट्रांसफर लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए इस महीने थोड़ा काम का बोझ तो रहेगा क्योंकि मंगल छठे से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट आपके पक्ष में रहेंगे। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों नीच के हैं, तो इस महीने थोड़ा गुस्सा आपका हावी रहेगा। चिड़चिड़ेपन से दूर रहिए, किसी भी प्रकार से गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अन्यथा फिर नौकरी में परेशानी आएगी। ऑल ओवर ये महीना नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए देखिए इस महीने का फर्स्ट वीक काफी अच्छा नजर आ रहा है। इस महीने में आप पहले सप्ताह में प्रयास करिए, आपको नौकरी मिल सकती है, अच्छी जगह आपकी नौकरी लग सकती है। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी है कि जो सरकारी नौकरी में हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो गलत काम मत करिए आप। अगर आप कानून विरोधी कोई काम करते हैं, घूसखोरी करते हैं, तो अपमानित होना पड़ सकता है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं व्यापारियों के लिए कैसी स्थिति बनी हुई है इस महीने में। व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना देखिए 15 तारीख तक थोड़ा खराब है आपके लिए, क्योंकि व्यापार में परेशानी आएगी, पैसे की तंगी महसूस करेंगे। 15 के बाद में अच्छी स्थिति बन जाएगी, सूर्य का जब वृश्चिक राशि में गोचर प्रारंभ हो जाएगा वहां से आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद ना हो, झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, अन्यथा दिक्कत परेशानी हो सकती है। व्यापार में थोड़ी परेशानी है 15 के बाद, उसके बाद राहत जरूर महसूस करेंगे। अब देखिए दर्शकों, आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, पैसे के हिसाब से ये महीना कैसा है। देखिए आपके 11th हाउस से शुक्र का गोचर हो रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है इस महीने, कोई इतनी परेशानी नहीं है। हाँ आपके खर्चे ज्यादा होंगे, कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, पर प्रॉपर्टी लेते समय खास ध्यान रखिएगा कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं तो गलत प्रॉपर्टी लगने के पूरे संकेत दिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति मजबूत है, बस थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, पैसा अच्छा आएगा आपके पास और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का सोचिए, ज़्यादा खर्चे करेंगे तो फिर दिक्कतों में पड़ेंगे आप। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक चीज अच्छी ये भी है कि गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस महीने में पूरी हो सकती है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। भाइयों के कारण भी आपको कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपके अगर भाई हैं तो उनसे आपको सहयोग पूरा मिलता नजर आएगा, तो इस पक्ष में भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है, काफी अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध इस महीने में कैसे रहेंगे। देखिए वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो इस महीने में थोड़ा सा आपके जीवन साथी का गुस्सा हावी रहेगा, थोड़ा वो आप पर गुस्सा ज्यादा कर सकते हैं, तो आप थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपका जब विवाह होता है तो आपके लाइफ पार्टनर थोड़े एग्रेसिव तो आपको मिलते हैं, इस बात को आपको मानना ही होगा, और थोड़ा सा गुस्से पर आप भी नियंत्रण रख लेंगे तो शांत हो जाएगा मामला। क्योंकि 15 तारीख तक देखिए तुला राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी है, 15 के बाद में स्थितियों में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन मधुर भी होगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाइए, शुक्र का गोचर शुभ है तो आपके बीच में प्रेम जरूर बढ़ेगा। साथ ही साथ जो कुंभ राशि के जातक अभी अविवाहित हैं उनके लिए इस महीने में कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, इस मामले में आप लक्की हैं। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं प्रेम संबंधों की। देखिए लव रिलेशनशिप के हिसाब से महीना अच्छा है, शुक्र का गोचर पंचम को प्रभावित कर रहा है, ये महीना आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाएगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर आप घर पे बात करना चाहते हैं आपके विवाह के लिए तो भी ये महीना काफी अच्छा नजर आ रहा है, आप प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ के हिसाब से महीना कैसा है। देखिए हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो शनि मार्गी हो रहे हैं इस महीने में, तो आपकी सेहत में सुधार तो होगा, अब कहीं ना कहीं जो परेशानी थी चाहे आपके घुटनों के दर्द की हो, कमर दर्द की हो, तो उसमें राहत होगी। पर एक बात यह है कि यहाँ पर देखिए छठे भाव में मंगल है नीच राशि के, आप किसी से वाद विवाद में मत उलझिए, किसी से झगड़ा मोल मत लीजिए, अन्यथा फिर दिक्कत परेशानी में पड़ेंगे आप। और आंखों का ख्याल रखिए, आंखों का दर्द परेशान कर सकता है, माइनर हेडेक होना, सर में दर्द होना, ऐसी भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, बस थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखिए। अब देखिए दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, एक तो देखिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, ये बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। शनिवार के दिन असहाय लोगों की मदद करिए, गरीब लोगों की सेवा करिए, इससे शनि पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी, तो ये उपाय जरूर करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है, आप हमसे जुड़कर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, जय श्री कृष्णा।